और नई जगह के साथ में आपने चंपारण अहुना मटन हमेशा मेरा शूट किया है, लेकिन आप ये देखिएगा चंपारण अहुना चिकन में आज आपको बना के दिखाऊंगा कि मैं चिकन कैसे बनाता हूँ, और वो भी हांडी के अंदर ही। क्या बात है। तो ये देखिए सर, इसके लिए देखिए चिकन में मसाले थोड़े से कम जाते हैं, ये मेरा मसाला है, ये प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये दही है। अच्छा, चिकन है लेकिन चिकन थोड़ा लेट डलेगा सर, क्यों? क्योंकि इसकी पहले ग्रेवी रेडी होगी, वो आधा से पौना घंटा लेगी, उसके बाद में हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। ये प्याज डालेंगे पहले, क्या बात है, और ये अपना लहसुन अदरक का पेस्ट, ये अपना दही। तो सर चिकन की भी डिमांड बढ़िया है क्या आपके? बिल्कुल सर, चिकन की भी बहुत अच्छी डिमांड रहती है मेरे यहाँ पे, क्योंकि वही है सर कि अगर आप कहीं चिकन दूसरी जगह खाएंगे तो वो बॉयल करा हुआ चिकन और ग्रेवी के साथ में वो लपेट के आपको दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे चिकन भी बिल्कुल फ्रेश, वही 2 घंटे पहले मैं ऑर्डर लेता हूँ और चिकन भी आपको बिल्कुल फ्रेश ही खिलाऊंगा। और चिकन क्या रेट पे जाता है? चिकन 700 रुपये किलो जाता है सर मेरा। अरे वाह। मटन? मटन 1400 रुपये किलो है। बहुत बढ़िया। और ये वही मसाले सर मेरे, तो यही मसाले मटन में यूज करोगे? नहीं नहीं नहीं, चिकन के अलग मसाले रहते हैं और मटन के अलग मसाले रहते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा इसमें ऐसा क्या डिफरेंट रहता है? सर देखिए, मटन अपना एक खुद का स्वाद वैसे ही दे देता है, लेकिन चिकन में क्या है, ग्रेवी के अंदर स्वाद देना पड़ता है। देखिए चिकन में भी आपको, मैं आपको बताऊं, पूरे जयपुर में अगर आप जाएंगे है ना, तो मेरा जैसा चिकन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वही है सर, कुकर में आप किसी बनाओगे बॉयल करा हुआ चिकन आपको क्या स्वाद देगा। अच्छा, अगर वो ग्रेवी के साथ में पकेगा, पहले क्या है थोड़ी सी मैं ग्रेवी पका लेता हूँ, क्योंकि जो अपने ये साबुत प्याज वगैरह डाल रहे हैं है ना, वो गल जाए थोड़ा सा, उसके बाद में अपने चिकन इसके अंदर डालेंगे, लेकिन वो पकेगा इसी ग्रेवी के साथ में, उसी ग्रेवी के साथ में सर्व होगा, तब अलग ही स्वाद देता है। देखिए सर, उसमें अपने ने 4 लहसुन 1 किलो के अंदर डाले थे, इसमें 1 किलो के अंदर 2 ही लहसुन आते हैं। अच्छा, हाँ, और अब ये अपना सरसों का तेल गर्म हो रहा है, अब इसको हम फाड़ लेंगे और उसको इसके अंदर ऐड करते हैं। चल थोड़ा सा, कच्ची खाने का यूज़ करता हूँ, उसमें बहुत कड़वाहट रहती है, कुछ स्मेल रहती है जो बहुत ज़्यादा आपके खाते वक्त जो है वो लगेगी आपको, इसको फाड़ने से, नमक के पानी से फाड़ने से इसको वो कड़वाहट खत्म हो जाएगी इसमें से। जी सर, अब ये देखिए सर, ये गर्मा गर्म फाड़ा हुआ सरसों का तेल है, ये अपने इसके अंदर ऐड करेंगे। अब ये देखिए, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ठीक है सर। और थोड़ा हम तेल वही हांडी के अंदर हम डाल देंगे। ठीक है। और इसको थोड़ा सा तेल को हम लपेट लेते हैं चारों तरफ। ऐसा क्यों करते हैं सर? ताकि ये लगे नहीं सर नीचे, क्योंकि इसको हम चलाते बहुत कम है, ये जो है लगभग 1 घंटे तक हम इसको देखेंगे भी नहीं। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए नीचे ऑयल डाल लेंगे, ताकि हांडी पूरा ऑयल ले ले पहले, और ये मसालों का जो है तेल वो ना कंज्यूम करें। तो मतलब चिकन में आप पहले ग्रेवी को पकाते हो? सर जी बिल्कुल, क्योंकि चिकन को बनने में 15 से 20 मिनट लगता है, लेकिन इसकी ग्रेवी को बनने में टाइम लगता है, तो ये 1.5 घंटा 1 घंटे तक इसकी ग्रेवी रेडी होगी, उसके बाद में इसके अंदर हम चिकन डालेंगे और फिर वो 20 से 25 दिन में रेडी हो जाएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए सर, तेल गर्म तो नहीं है सर? चल जाते सर, आदत हो गई आपको। आदत बाकी सर मसाले की खुशबू शानदार है सर। सर जी मसाले, आप मैं बताऊँ आपको, चाहे चिकन हो चाहे मटन हो, आपको एक अलग ही स्वाद देंगे। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है तेल कम है, थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं हमने। अब हम इसको मसालों को दोनों हांडियों में बराबर बराबर मात्रा में डाल लें। सबसे पहले तो लहसुन डाल लेते हैं 2-2।
जैसे मैं मटन में पानी नहीं डालता हूँ वैसे ही मैं चिकन में पानी डालता हूँ। अच्छा। इसकी भी ग्रेवी प्याज से ही रेडी होगी। हो जाता सर सेट पूरा? बिल्कुल हो जाएगा सर, आप खा के देखिएगा आपको पता चलेगा कि ये सेट होता ही नहीं होता है। हांडिया जो है चिकन की वो रेडी हो चुकी है, अब इसको लेके चलते हैं अपने कोयले की आंच पे। चलिए ये लीजिए सर हांडिया, अब ये कोयले की आंच पे गई आधा से पौना घंटे के लिए। इनमें मटन मिल रहा है? इनमें ऑलरेडी मटन चल रहा है ऑर्डर का, क्योंकि पहले का ऑर्डर है। अब जैसे जैसे कस्टमर मेरे को ऑर्डर देंगे वैसे वैसे हांडिया और बढ़ती जाएंगी। तो ये सिर्फ ऑर्डर पे ही मिलेगा और 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मैं ऑर्डर लेता हूँ और 2 घंटे पहले ऑर्डर लेता हूँ। सर कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो तो दे दो। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बताता हूँ सर, यहाँ का जो आउटलेट ये सतवीर जी शेखावत है, ये है, आइए सतवीर जी, ये यहाँ का आउटलेट संभालेंगे और इन्हीं के मोबाइल पे आपको कॉल करना है और ऑर्डर यहाँ का बुक करना है, VKI 14 नंबर के यहाँ का। इनका कॉन्टैक्ट नंबर बताइए सर। 9928721655। VKI 14 नंबर से 4 किलोमीटर आगे है दिल्ली हाईवे पे और दौलतपुरा टोल टैक्स से 6 किलोमीटर पहले नियर सफेदा फार्म हाउस। ये अपनी जो चिकन आपने लगाया था उसकी ग्रेवी सेट हो चुकी है। अब अपने कैसे सेट हुई है अब देखिए सर। हाँ। ये देखिए सर, चलो एकदम घुल गई प्याज वगैरह बिल्कुल। ये देखिए सर पूरा घुल चुका है प्याज। चलाओ एक बार दोबारा चलाओ बोलो। और ये देखिए पूरे इसमें ग्रेवी, अब बढ़िया मसाला इसका सेट हो चुका है। हाँ। मसाला पक चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। चलो 2 किलो चिकन है ना? 2 किलो चिकन है सर जी, 2 लेग जाएंगे एक के अंदर, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ तो मुर्गे के 2 ही पैर होते हैं अगर ज्यादा होते हैं तो बात अलग है। क्या वैसे सर है ना ये वजन से जाता है ना, लेकिन काम करते हुए इतना टाइम हो गया कि मेरे को पता चल जाता है कि कितना अंदाजा हो गया। हाँ, अंदाजा हो गया कि कितना किसके पास जाएगा, किस मटके में जाएगा। और अब आप देखिएगा सर ये चिकन अपना डल चुका है, अपने एक बार इसको चलाएंगे। यार वाकई खुशबू बहुत शानदार आ रही है यार, ऐसा लग रहा था फटाफट से खिला दो आप मेरे को, तो मैं तो ये कह रहा हूँ इसकी ग्रेवी खिला दो। अब देखिए सर आप इसके ना वो देख सकते हैं, इसमें पानी देखिए, पानी का मैंने यूज नहीं किया अभी तक, बिल्कुल लिपटवा ग्रेवी है। अब चिकन अपना पानी छोड़ेगा और फिर इसकी ग्रेवी सेट करेगा। क्या ये देखिए सर, बहुत बढ़िया भाई। आप देख रहे हैं सर अभी से ऐसा लग रहा है जैसे कोई पका हुआ है ये, और आपके सामने मैंने कच्चा डाला है। रोगन देखिए आप इसका, बहुत बढ़िया। रंगत देखिए आप इसकी कितनी शानदार है। तो अब इसको कितना टाइम लग जाता है? अब इसको 20 से 25 मिनट लगेंगे बच्चा। 20-25 मिनट? हाँ, ढको दो एक बार। 20 से 25 मिनट में क्या है सर, चिकन को ज्यादा समय नहीं लगता है, चिकन जल्दी सेट हो जाता है, तो इसमें जो टाइम लगता है वो ग्रेवी का टाइम लगता है। अब देखिए सर हमारा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट रेडी है, और आप देखिए आप इसका रोगन देखिए, इसके रंगत देखिए सर। भाई चिकन ने पानी खूब छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए सर क्या बात है। ये भी खोल दो, ये वाला भी देखिए सर आप क्या बात है। सर चिकन टूटता नहीं है क्या? नहीं नहीं सर ऐसे नहीं जाएगा। अच्छा सर ये अंदर तक पकाएगा, बिखरेगा नहीं लेकिन चिकन। अच्छा, क्योंकि बिखेरता सिर्फ कुकर है या एल्यूमिनियम का, ये तांबे का ये पार्ट बिखेरते हैं, मटके बिखेरेगा नहीं, वो अंदर तक पकाएगा उसको। तो एक काम करते हैं, अब आपका चिकन रेडी है, फटाफट से टेबल पे चलते हैं और टेस्ट करते हैं। बिल्कुल सर आइए।